Sangma sangalang ija ika skyo te kauri zaches pala hing tapa na thukje che tene nga Marsen association president chokna tene nga ta ika stall bo logang nga ta itok stall dulin thukse nok tene tebe na ke nang dakha takpa stall dulkan bina tene Ladakh se nga ta lakton tene ama oni kana chi thonat la ama oni chi la se bina ama oni kana chi kona ne ton skill chwa tene na ika kyon se ton thukse nok tene diring ma skyo mes pala teo thuk ika ke nana kone ka tene stall ika pura nga ta Ladakh se ready made pura hati ready made pasang malep se thukyale tebo nga je chokna bilkul strictly action nga je objection ni nyale yi ke nang stall bo ke nang ata Ladakh se lakton nikal Ladakh se traditional ka chi nang nga je chang objection met baki ke nang hatti pe song bo ika kyon se ton na te stall ma gur te bo pya nga je objection in te nang nga je administration na rural development nga je jua te win thore tak payu then go jale thore agar ma ten na te nang nga je yang chi ika karwa chu nang nga je chochen le te ni yu school la dak sang ata ni ran sponsor la ya le dc ya suka to tuk ni je yi shu kon na rest ne kon ko taksangi executive saab apunchos minyale rural executive yagzi saab apunchos khone te nam wala ki yu bancho chun mal gale bancho chun na taksai ga incha number juk to khon lange ze pin ki yu bancho go chun yu mari ga nok ze pasana khon te mal ki khon la loan tang sun yu chi khon to ton na dia nok ze kanjik to se mol dok te mol na loan bo ke na ngata taksa hati pa changma loan ke tok chun gale loan not gan ba changma i ka khon chu gan na te ne thore na pala nga jang yo dale ine ka pura jaga changma cover chola le तो अभी जो है यहाँ पे जो है मर्चेंट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो तो उन्होंने मीडिया के सामने आके ये बोला कि यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है इसमें जो है रेडीमेड जो दुकान जो है यहाँ पे लगा हुआ है तो उसके बारे में क्या कहें। जी सर, सबसे पहले ये है कि जो लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन है जो अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, तो उसमें मेन हमारा चार जो मैं चीज़ों पे हम काम करते हैं और चार तरीके से हम दीदियों को फायदा देते हैं। पहला ये है कि हर घर से एक महिलाओं को हम निकाल के जोड़ते हैं, समूह में जोड़ते हैं, SAG में जोड़ते हैं। उसके बाद सर हम उनको कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं जिसको हम रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, उनको हम फंड देते हैं ताकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। और तीसरा चीज़ ये है कि हम उनको जिस ट्रेड में भी, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, लाइफ स्टॉक हो, या अपना छोटा किराना दुकान हो या टेलरिंग हो, उनको उनके लिए हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट जो सर आज आप पिछले दो दिन से देख रहे हैं सारस मेला, तो ये क्या है कि हम इनको साथ साथ में मार्केट लिंकेज भी कराते हैं, क्योंकि सर आपको पता है जो भी हमारे इधर दीदी है ये छोटे छोटे बिजनेसमैन है जिसको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर कहते हैं वो है, तो इनको हम एक मार्केट प्लेटफॉर्म देने के लिए आज हमने इनको यहाँ पे मार्केट प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये चार तरीके से NRLM जो है हम काम करते हैं। और NRLM का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आर्टिसन नहीं बनाते हैं बल्कि हम एंटरप्रेनर्स को बनाते हैं, दीदी को हम एंटरप्रेनर बता कि वो अपने बिजनेस करे और दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड करे। तो उनका एक चीज ये भी कहना था कि यहाँ पे जो है अभी रेडीमेड जो चीज भी है, अगर कल से वो लोग ये बोल रहे कि ये हम उनको ये मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से ये पूरा बंद करवाएंगे, नहीं तो पूरा दुकान भी वो यहाँ पे आके वो दुकान भी लगाएंगे बोल रहे, तो क्या कहेंगे। जी सर, जैसा है कि हमारे जो SAG में अंदर है ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर हैंडमेड, जैसे कह रहे थे कि ये सिर्फ हैंडमेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। SAG कोई भी बिजनेस करेंगे, सुई से लेके अगर आप बोलोगे जहाज तक कोई बिजनेस है, उसके लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है उनको RF प्रोवाइड करते हैं, CA प्रोवाइड करते हो, और इसके बाद लोन किसी भी फील्ड में जाना चाहे, चाहे फॉर्म कर रहे हैं नॉन फॉर्म। अब नॉन फॉर्म में जैसे उन्होंने कहा कि टेलरिंग का शॉप भी हो सकता है, उनका ग्रॉसरी का शॉप भी हो सकता है, तो किसी भी फील्ड में वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। और अगर जो अगर किसी का अगर मतलब है कि हम शॉप खोलना नॉन फॉर्म में, तो वो उसके लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए हम हेल्प करते हैं NRLM जो स्टाफ है, और हमको हम मतलब हम उनको लिंकेज करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक से और हमको लोन प्रोवाइड करके। और यही SAG मेंबर यहाँ पे आए हैं अपने अपने प्रोडक्ट लेके, अपने अपने जो भी इनके जैसे टेलरिंग का है सारा प्रोडक्ट लिया है, चाहे उनकी अपनी शॉप है वही शॉप से यहाँ पे आया। और जो ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे लिया है, ये इको पार्क है, ये गवर्नमेंट से हमने परमिशन लेके परमिशन मिली है और तब जाके हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसे अनऑथराइज तो कोई यहाँ पे कर नहीं रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो है कंसलर भी अभी जी जी उनसे भी वो मिले तो उनसे देखिए सर, ऐसा है कि हमें एक प्रॉपर परमिशन सर, एक ऐसा है कि हम अनऑथराइज ऐसे तो है ही नहीं सर, हमने भी परमिशन गवर्नमेंट से परमिशन लिया है तभी तो हम कर पा रहे हैं। हमारा अभी तक कल से स्टार्ट 1 से 6 तक, 7 के बाद आप कोई परमिशन ले सकता है, कर सकता है, वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। हम ऐसा तो नहीं कि हमारी जगह है, हम है कि डिफरेंट आप SAG मेंबर को प्लेटफॉर्म देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर, हम यहाँ से बाहर भी भेजते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भेजते हैं, डिफरेंट यूटीज में भेजते हैं। और आज हमने फर्स्ट टाइम अपने लद्दाख में ये हमने एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अपने SAG मेंबर्स को दिया है और पहली बार होने जा रहा है। और हमारे ऑनरेबल जो एडवाइजर साहब ने कल इसका इनॉग्रेशन भी किया है, तो हम ये प्लेटफॉर्म दिया है। दैट्स इट।
जैसे कि अगर आप लाइवलीहुड में देखोगे तो बहुत सारे स्कोप्स हैं। हमारी लेडीज जो है वो लाइफ स्टॉक्स में बहुत काम करती हैं, पोल्ट्रीज में काम करती है, छुशोत में आप देखोगे कि बहुत सारी लेडीज पोल्ट्री का काम कर रही हैं। तो ऐसे केसेस में अगर वो पोल्ट्री भी यहाँ लाना चाहते हैं तो हम उनको नहीं लाओ नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई लाइफ स्टॉक में गाय का है, जैसे यहाँ पे दूध से हमने घी लगाया हुआ है, तो कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने घी क्यों लाया है, क्योंकि ये सारे लोकल प्रोडक्ट्स है। और अगर बात करेंगे कि जिसपे हमारा इशू हुआ है, तो वो उनका अपना एक पर्सनल बिजनेस है जो वो चला रहे हैं एनआरएलएम के थ्रू, ना कि वो कोई हैंडलूम डिपार्टमेंट के हैं, ना ही कोई हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के हैं, वो हमारे एनआरएलएम डिपार्टमेंट के हैं। और वो जिस चीज में भी चाहे अपना जो वर्क है, जो अपना लाइवलीहुड है, जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमने इतना उनको छूट दे रखा है। अदरवाइज दूसरे डिपार्टमेंट्स में होता है कि आप सिर्फ हैंडमेड काम करोगे, जैसे हैंडलूम का है, तो एनआरएलएम इज वेरी वाइब्रेंट एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। तो हम इसमें चाहते हैं कि हमारे ऐसी जिसको ऐसे बाधाएं ना आए, और वो 6 दिन का ही एक प्रोग्राम है ये हमारा, तो उसमें उनको थोड़ा सा फील हो कि हम भी एक पार्ट है मार्केटिंग एंड इसमें। क्योंकि अगर आप ले मार्केट में देखोगे तो वो जब से वहाँ है तब से बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे लेडीज यहाँ 6 दिन के लिए, और वो भी कारगिल से है, कोई द्रास से आया है, कोई जंगस्कर से आया है, तो कीपिंग इन दैट थिंग हम वैल्यू उनका रख के, तो थोड़ा हमें लगता है कि पहले आप बैकग्राउंड भी देखें कि कहाँ से है, क्या काम कर रहे हैं। सो वी वांट टू कन्वे दैट। टू स्टार्ट विद, ऑल्दो माय कलीग्स हैव कवर्ड, टू स्टार्ट विद, जब हम एक एसएजी वुमेन को, एक रूरल वुमेन को एक एसएजी में जोड़ते हैं, तो स्टार्टिंग हमारा ये होता है कि वो एक 100 रुपए महीने में जमा करे, ठीक है। वो एक पर्पस के लिए होता है, वो जरूरी नहीं होता है कि वो आप गाय पालोगे, बकरी पालोगे, हम उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, वो अपने तरीके से किस तरह से उसका, हर इंसान का अपना स्किल होता है। हम जेंडर बेस हम ऑक्यूपेशन नहीं कर सकती कि आप जैसे मर्चेंट वाले बोल रहे हैं कि आप रेडीमेड कपड़े क्यों बेचेंगे। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी न कहीं तरीके से शुरू होता है, और कोई गाय से शुरू करता है, कोई बकरी से शुरू करता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई स्मॉल स्केल जनरल स्टोर लगाता है, जैसे भी लगाता है वो, उससे उसकी कमाई होना चाहिए। और वही चीज हम भी बोल रहे हैं कि जब मार्केट में लोगों का, मार्केट में शॉप के लोगों को कमाई होता है, तो हमारे ऐसे चीज इतने दूर दूर से आए हैं, वो लोग इतना मेहनत करते हैं हर चीज के लिए, तो उनको मौका क्यों ना मिले। और सेकेंड चीज आप जो बोल रहे हैं सर कि वो कल से बंद करवा देंगे, तो वो तो ऑर्डर देखिएगा कि गवर्नमेंट ऊपर से हमें क्या इंस्ट्रक्शन आता है, बट देन वी आर सीइंग, और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जितने भी ऐसे चीज आए हैं लद्दाख के कॉर्नर से आए, जिन्होंने आज तक, जो हम दराज से लाए हैं, लेह में पहली बार, जांस्कर से लाए हैं।